बिग सोचों में खुशामदीद। अमरीकी सदर को इस रुए ज़मीन पर ताकतवर तरीन शख्सियत समझा जाता है और इसकी जाहिर है वजूहात भी हैं। अमरीका दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत है। अमरीकी करेंसी ही को दुनिया भर में ज़्यादातर तजारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर के ममालिक के रिजर्व यानी उन ममालिक की बचतें भी सिर्फ अमरीकन डॉलर की सूरत में ही ज़्यादातर मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मिलिट्री भी इसी मुल्क के पास है। 80 ममालिक में अमेरिका की सैकड़ों की तादाद में मिलिट्री बेसिस हैं, यानी तकरीबन दुनिया में हर जगह इसके अड्डे मौजूद हैं। ऐसा शायद इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ कि एक मुल्क इतना ताकतवर हो कि दुनिया भर में कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ को मिनटों या ज़्यादा से ज़्यादा चंद घंटों में निशाना बनाने की सलाहियत रखता हो। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के पास मौजूद हैं। वर्ल्ड ऑर्डर भी अमेरिका के ही कंट्रोल में ज़्यादातर रहता है। तो दोस्तों, ऐसे मुल्क का सदर या कमांडर इन चीफ बन जाना यकीनन उस शख्स को ताकतवर तरीन इंसान बना देता है जो भी ये अहदा संभालता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर जो बाइडन तक 46 सदूर आए हैं, लेकिन इनमें सबसे मकबूल तरीन और ताकतवर सदर जिस शख्स को समझा जाता है वो फ्रैंकलिन डिलैनो रोजवेल्ट या सिंपली FDR हैं। 250 साल अमेरिका की तारीख में ये वो वाहिद शख्स हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा यानी लगातार 4 मरतबा अमेरिका का सदर मुंतखब किया गया। उन्होंने 12 साल और 39 दिन तक इस ओहदे पर वक्त गुजारा। रोजवेल्ट अमेरिका के हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग प्रेसिडेंट्स में से भी एक हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत का झटका लगेगा कि जिस शख्स ने अमेरिका के शायद इंतहाई नाजुक दौर में सदारत संभाले रखी वो शख्स माजूर था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ग्रेट डिप्रेशन और जंगे अजीम दोम जैसे बहरानों के दौरान प्रेसिडेंट रहने वाले फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट पोलियो से मुतासरा एक माजूर इंसान थे। उनका कमर से नीचे का हिस्सा तकरीबन मकम्मल तौर पर पैरालाइज्ड यानी मफलूज था और अपने कदमों पर चलना भी इनके लिए मुमकिन नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर अमरीकी शहरियों को भी इस मुतलिक इल्म ही नहीं था। FDR कैसे इस सूरत हाल तक पहुँचे, वो आखिर क्यों अपनी माजूरी को छुपाते थे और कैसे छुपाते थे, इसके लिए क्या हरबे वो इस्तेमाल किया करते थे, और उनकी माजूरी से ज़्यादातर लोग ला इल्म आखिर क्यों थे, आइए ये दिलचस्प कहानी जानते हैं। 1921 में रोजवेल्ट कैनेडियन जजीरे कैंपो बेलो पर मौजूद थे कि उन पर पोलियो का अटैक हुआ जिससे उनकी कमर से नीचे का हिस्सा मफलूज हो गया। उस वक्त रोजवेल्ट की उम्र 39 बरस थी। इससे पहले वो 1920 में डेमोक्रेट्स के सियासी प्लेटफॉर्म से अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ चुके थे जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए थे। इलेक्शन में नाकामी के बाद वो अपनी सियासत में कमबैक कर रहे थे कि उनके साथ ये हादसा पेश आ गया। यूँ चलने फिरने की सलाहियत से महरूम हो जाने के बाद FDR सियासी मंजरनामे और आवाम की नज़रों से मकम्मल तौर पर तकरीबन ओझल हो गए ताकि कुछ हद तक सेहतयाब हो सकें। इस दौरान FDR की सियासत उनकी बीवी एलियानोर रोजवेल्ट ने जिंदा रखी। खुद रोजवेल्ट भी दोबारा अपनी टांगों पर खड़े होने के लिए पुरअज़्म थे। वो इसके लिए बाकायदगी से जितना मुमकिन हो सके चलने की प्रैक्टिस किया करते थे। 3 साल तक मंजरे आम से तकरीबन मकम्मल तौर पर गायब रहने के बाद 1924 में वो दोबारा सियासत में एक्टिव हो गए। 4 साल बाद FDR ने 1928 में न्यूयॉर्क के गवर्नर का इलेक्शन लड़ा और इसमें कामयाबी भी हासिल की। उनकी बेहतरीन पॉलिसीज़ की वजह से उन्हें 1930 में दोबारा न्यूयॉर्क की गवर्नरशिप के लिए अवाम का एतमाद हासिल हो गया। 1932 में उन्हें सदारती उम्मीदवार के लिए नॉमिनेट किया गया। तो बाज़ सियासतदानों ने जो उनकी माजूरी के बारे में इल्म रखते थे ये चेमगोइयाँ शुरू कर दी कि एक माजूर शख्स को सदारती उम्मीदवार जैसे अहम ओहदे के लिए आखिर क्यों नॉमिनेट किया गया है जब अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन जैसे माशी बहरान से दो चार है। रोजवेल्ट ना सिर्फ नॉमिनेशन हासिल करने में कामयाब हुए बल्कि उन्होंने 1932 का सदारती इलेक्शन जीत भी लिया और फिर वक्त ने साबित किया कि वो अमेरिकन आवाम की एक बेहतरीन चॉइस थे। दोस्तों, FDR के सदारती वक्त का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो ये कि उनकी इस माजूरी से मतलब अक्सर अमेरिकन लाइल थे।
दरअसल आज से तकरीबन एक सदी पहले माजूरी को अच्छा नहीं समझा जाता था और इसे कमज़ोरी की अलामत के तौर पर लिया जाता था। लिहाजा ऐसे दौर में अपनी सियासत को ज़िंदा रखने और अपने मुतल्लिक पब्लिक ओपिनियन मुतासिर होने के ख़तरे से वो ज़्यादा आवाम का सामना नहीं करते थे। उनके लिए ऐसा करना ज़ाहिर है ज़रूरी भी था अपने सियासी करियर के लिए, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क का सदर होना और फिर आवाम की नज़रों से ज़्यादा देर तक ओझल रहना भी तो मुमकिन नहीं था। दोस्तों ऐसे में FDR पब्लिक अपीयरेंसेस के दौरान कुछ ट्रिक्स वगैरह की बदौलत अपनी इस माजूरी को आम लोगों से छुपाने में कामयाब रहते थे। अक्सर औकात जब वो स्टेज पर आते तो उनके भाई या स्टाफ उन्हें इस तरह सहारा दिए रखते कि ये तासुर ना जाए कि वो चलने फिरने से माजूर हैं। इस दौरान वो खुद भी टांगों को कुछ हरकत देकर अपनी माजूरी के तासुर को किसी हद तक जायल करने में कामयाब रहते थे। इसके अलावा वो छड़ी का इस्तेमाल किया करते थे और चलते हुए ज़्यादातर वज़न छड़ी पर रखते थे। वो एक ख़ास किस्म की लेग ब्रेसिस का इस्तेमाल भी किया करते थे जिससे उन्हें ना सिर्फ खड़ा होने में मदद मिलती थी बल्कि माजूरी के बावजूद वो कुछ कदम चल भी पाते थे। उन्हें अगर कभी पब्लिक गैदरिंग्स में जाना पड़ता तो वो कार पर बैठे बैठे ही या फिर नीचे उतरते वक्त कार के साथ ही कार के सहारे खड़े होकर वहाँ मौजूद हाजरीन को हाथ हिला दिया करते थे। इसके बाद स्टेज पर पहुँचने के लिए उनके स्टाफ ने उनको इस तरह से घेर रखा होता था कि उनके चलने के दौरान अगर कोई लंगड़ाहट या माजूरी का तासुर आए या अगर वो व्हील चेयर भी इस्तेमाल कर रहे हों तो आम लोगों की नज़रों से ये चीज़ ओझल रहे। जलसों और पब्लिक गैदरिंग्स में FDR एक ख़ास किस्म का पोडियम या डायस इस्तेमाल किया करते थे और अपनी स्पीचेस या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान अपने बाजुओं के ज़रिए ज़्यादातर वज़न उसी पर मरकूज रखते थे। पूरे जिस्म का वज़न बाजुओं पर डालकर पोडियम पर कई मिनटों या घंटों के लिए खड़े होना जाहिर है आसान काम नहीं था, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी थी। अपनी अपर बॉडी और बाजुओं की स्ट्रेंथ के लिए वो बाकायदगी से स्विमिंग किया करते थे। प्रैक्टिस के बावजूद भी वो एक बार 1932 में इलेक्शन मुहिम के दौरान स्पीच करते हुए गिर गए थे, लेकिन इन्हें स्टाफ ने फौरन सहारा दे दिया था और उन्होंने अपनी तकरीर वहीं से शुरू कर दी थी जहाँ से रब्त टूटा था। सहाफ़ियों और मीडिया नुमाइंदगान के साथ FDR का ताल्लुक बहुत अच्छा था, लिहाजा ये लोग इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते कि सदर की कोई ऐसी तस्वीर प्रिंट मीडिया पर ना आने पाए जिससे उनकी माजूरी का तासुर जाए। यही वजह है कि उनकी ज़्यादातर तस्वीर जो नज़र आती हैं वो या तो सीट पर बैठे हुए हैं या फिर स्टेज के पीछे खड़े हुए हैं। इसके अलावा US गवर्नमेंट की तरफ से भी इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता था कि कोई ऐसी तस्वीर या फुटेज वगैरह पब्लिश ना हो जिसमें US स्टेट हेड की माजूरी को हाईलाइट किया जाए या इसका तासुर जाए। इस मकसद के लिए US सीक्रेट सर्विस अपना किरदार अदा करती रहती थी। अगर कोई जर्नलिस्ट रूज़वेल्ट की ऐसी कोई तस्वीर उतार लेता तो उसे फौरन तल्फ करवा दिया जाता था। लेकिन याद रहे कि FDR की कुछ तस्वीर आज भी ऐसी ज़रूर हैं जिसमें वो एक ख़ास किस्म की व्हीलचेयर पर बैठे दिखाई देते हैं, लेकिन ये तस्वीर इंतहाई कम और नायाब हैं। अवामी मुकामात पर जाने और पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करने का एक और ज़रिया FDR के लिए फायरसाइड चैट्स भी था जिसके ज़रिए वो अमेरिकन अवाम के साथ रबते में रहते थे। ये फायरसाइड चैट्स US प्रेसिडेंट की वो स्पीचेस थीं जो रेडियो के ज़रिए बाकायदगी के साथ वो किया करते थे। इन स्पीचेस के ज़रिए रूज़वेल्ट का शहरियों के साथ एक मजबूत ताल्लुक कायम हो गया था। अवाम के साथ इसी अच्छे ताल्लुक की एक बड़ी वजह उनकी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स भी थीं जिसका सहारा लेते हुए उन्होंने अमेरिकन अवाम को अपना गर्विता बना रखा था। FDR की एडवाइजरी टीम और बिलखसूस उनकी बीवी एलियनोर रूज़वेल्ट का किरदार भी इस मामले में इंतहाई अहम था। वो ज़्यादातर उनके साथ ही सफ़र किया करती थी और मुख्तलिफ इशूज़ पर उन्हें हर दम आगाह भी रखती थी जिससे बतौर सदर उनका आगाह रहना ज़रूरी होता था। FDR की माजूरी से मतलब बहुत से लोगों के आगाह ना होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि आज से तकरीबन 100 साल पहले मीडिया टेक्नोलॉजी इस कदर एडवांस नहीं थी जितनी कि आज है। उस दौर में ज़्यादातर प्रिंट मीडिया
ही हुआ करता था, उसमें भी US प्रेसिडेंट से मतलब कोई खबर या मालूमात देते हुए इस बात का भरपूर ख्याल रखा जाता था कि उनकी माजूरी जेर बहस ना आए। अब दोस्तों बात करते हैं कि FDR ने कैसे उस नाजिक दौर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहरानों से निकाला। 20वीं सदी के जिस टाइम पीरियड में उन्होंने सदारत संभाली, उस वक्त इंसानी तारीख के एक बड़े माशी बहरान द ग्रेट डिप्रेशन का आगाज़ हुए 2 बरस का अरसा बीत चुका था। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस बहरान ने अपनी लपेट में ले रखा था। बेरोजगारी और गुर्बत अरूज पर थी। ऐसे में नए अमेरिकन सदर FDR ने न्यू डील नामी स्कीम के जरिए अपने मुल्क को माशी बहरान से निकालने की ठानी। इस स्कीम के तहत उन्होंने बेरोज़गार शहरियों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए गए जिनमें रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस वगैरह शामिल थे। अमेरिका का मशहूर ज़माना हूवर डैम भी उन्हीं के दौरे सदारत में मुकम्मल हुआ। उनकी हकूमत ने नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट पास किया जिसके तहत सनअतों को मुस्तहकम किया गया और नई जॉब्स के मौके पैदा हुए। किसानों के लिए भी मुख्तलिफ तरह की सब्सिडीज़ और रिलीफ प्रोग्राम्स शुरू किए गए। अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम में इस्लाहात के बिल पास हुए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो जिसमें बैंक अपने कस्टमर्स को अदायगियाँ करने की पोजीशन में ही ना रहें। न्यू डील के तहत शुरू किए गए मंसूबों का ही नतीजा था कि अमेरिका की मईशत संभलना शुरू हुई। FDR अमेरिकन अवाम में खासे मकबूल हो चुके थे, लिहाजा 1936 में दोबारा और फिर 1940 में तीसरी बार उन्हें मुल्क का सदर अवाम ने मुंतखब किया। अपने इन सभी दोबारे हुकूमत में उन्होंने अमेरिका नवाम को ग्रेट डिप्रेशन जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस के लॉन्ग टर्म असरात से निकालने के इकदाम जारी रखे। उनके दूसरे टन्योर के आखिर में जंग अजीम दोम जैसे आलमी बहरान का आगाज़ हो चुका था। इस दौरान फिर 1941 में लैंड लीज एक्ट के तहत रोजवेल्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इतिहादियों को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। ये ग्रेट डिप्रेशन के असरात से मुकम्मल तौर पर निकलने के लिए US प्रेसिडेंट का कोई डिज़ायर्ड इकदाम तो नहीं था, लेकिन इसका फ़ायदा बहरहाल अमरीका को बहुत ज़्यादा हुआ। डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ने से नौकरियों के मजीद मौके पैदा हुए और बेरोजगारी में हैरतअंगेज़ तौर पर कमी वाकया हुई। FDR के इकदाम किस कदर मौसर साबित हुए इसका अंदाज़ा यूं लगाएं कि 1933 में जब उन्होंने सदारत संभाली तो अमेरिका में बेरोजगारी की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी तकरीबन 25% पर थी और 1944 में ये कम होकर महज 1.2% की कम तरीन सतह तक पहुँच चुकी थी। अपनी इन कामयाब पॉलिसीज की वजह से 1944 में इन्हें फिर अवाम का एतमाद हासिल हुआ और वह लगातार चौथी मरतबा सदर मुंतखब हो गए। लेकिन अब की बार रोजवेल्ट की जिंदगी ने वफा ना की और अमेरिकन हिस्ट्री के मकबूल तरीन सदर लिटल वाइट हाउस जॉर्जिया में 12 अप्रैल 1945 को वफात पा गए। इस मकाम पर वो अक्सर स्विमिंग के लिए भी जाया करते थे। आखिर में आपको यह भी बता दें कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट साबका अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रोजवेल्ट के 5th कज़न थे यानी दूर के कज़न। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की बीवी साबका अमेरिकन सदर और टेडी के नाम से मशहूर थियोडोर रोजवेल्ट की भतीजी थी। और आपके लिए ये जानना भी शायद हैरत का बायस हो कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट का 11 दूसरे अमेरिकन सदूर के साथ बाई ब्लड या बाई मैरिज ताल्लुक या रिश्ता बनता था। दोस्तों अमरीकी सदर की 1930s और 40s में ग्रेट डिप्रेशन और जंग अजीम दोम जैसे बहरानों में मज़ाहमत के अलावा अपनी माजूरी से लड़ने की यह दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी? क्या ये वीडियो मोटिवेशनल और मालूमात लगी आपको? हमें कमेंट्स में बताएं और ये भी ज़रूर बताइए कि इस बारे में क्या आपको पहले मालूम था कि अमरीकी तारीख के चंद अहम तरीन सदूर में से एक माजूर थे। इस तरह की दिलचस्प और मालूमती वीडियोस दोबारा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।